ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, मुबारकबाद दूंगा। और टू थैंक यू। जी जी। और जो दो लाइन के अंदर बात बोलना चाहूँगा कि बेसिकली क्या होता है कि ये एक इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को, मोहतरमाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कि वो किचन से निकल के आगे बढ़ें। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है। कि जब भी मैं सुन रहा था अंदर, बहुत खूबसूरत बात बोल रही थी मोहतरमा कि रात को 12:30, 2:30, 3 भी किसी की मदद के लिए वो पहुँच जाती हैं। तो इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं और इसके लिए प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मैं तो दुआएं करूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि इनका जो अप्सरा अवार्ड है, अप्सरा जो प्लेटफॉर्म फेस्टिवल है, ये और आगे बढ़े। अप्सरा महाराष्ट्र, ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में पहले से चल रहा था, हमको कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में महिलाओं को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए अब तक मिलता नहीं है। तो इस अप्सरा कॉन्टेस्ट के जरिए मैं उनको एक प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि वो लोग ज़िंदगी में शादी हुई है हो या नहीं हुई है हो, लेकिन उनको जो देखने का जरिया है वो आम इंसान को लोगों के लिए बदलना चाहिए। क्योंकि अब तक जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, जो सुबह से उठ के वो लोग शाम तक अपनी ज़िंदगी में जितना बिजी रहते हैं, सुबह उठते ही जैसे बच्चों के और पति के लेके शाम को जब तक पति आता नहीं है घर पे, बच्चे घर पे आता नहीं है, तब तक उनकी जो क्रियाएँ होती हैं उनमें से बाहर नहीं आ पाती है वो। ये करने के बावजूद भी उनको एक, और ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो उनको एक अच्छा लेवल मिलेगा कि भाई एक अचीवमेंट और भी कर सकते हैं लाइफ में। घर के बाहर निकल के अपने पैरों पे खड़ा रहना उनको सीखना बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि आज इतना कॉम्पिटिटिव ज़माना है कि खाली एक हस्बैंड घर में पैसा लेके आने से घर चलता नहीं है, क्योंकि लोगों का देखने का पूरा चेंज हो गया ज़रिया। तो एक महिला भी उसमें मदद करती है तो क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ही अच्छा सुधारा हो सकता है। सोच बदल गई है, ज़माना बदल गया है ना अभी। भाई सबसे बड़ी बात है, मेरा शुभकामना है शेखर जी को और सुमिति जी को, जो उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ, इतनी इज्जत दी है, थैंक यू वेरी मच। और इतना अच्छा शो चल रहा है, इतना अच्छा फंक्शन चल रहा है, इतने अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, सब अलग अलग मिसेज इंडिया, मिस इंडिया सब आए हैं। अभी देखो अप्सरा महाराष्ट्र कैसे आ रहा है, कैसे नई चीज़, एक नया एक मैं फर्स्ट टाइम फिल्म लाइन के, हमेशा फिल्म लाइन के शूटिंग्स में जाता हूँ, उनको बोलता हूँ, आज मैं फर्स्ट टाइम रैंप वॉक में आया हूँ एज ए गेस्ट, थैंक यू। ऐसे तो मैं लेट हो गई थी बिकॉज मैं टाउन में नहीं थी, आई वॉज नॉट इन टाउन, बट जहाँ तक मैंने देखा एंड इट वॉज वेरी नाइस। एंड मुझे लगता है कि और आगे बढ़ना चाहिए, लड़कियों में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं दे हैव अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस एंड दे हैव अ गुड टाइप ऑफ आंसर टू गिव एंड दे सच अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड दे वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी एंड थैंक यू स्मृति पंचाल एंड राजू टंडन, थैंक यू। एंड ब्यूटी को लेकर भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा अभी वर्कआउट कर रहे हैं, इवन द स्किन कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह सब स्टार्ट हो गई हमारे पास। एंड बहुत जल्दी हमारा तीसरा ब्रांच भी आ रहा है जुहू पे, तो उसके लिए आई थिंक आप लोग को जरूर बुलाऊंगी। अभी बाद में एक मीडिया पार्टी का अरेंज चल रहा है, अभी बात चल रही है, डेफिनेट हम आप सब लोगों को बुलाएंगे। ब्यूटी को या महाराष्ट्र के ड्रेसअप को किसी ने आज तक हाईलाइट किया, ये सब मैंने नहीं सुना है। ये इवेंट देख के बहुत अच्छा लगा मेरे को कि दे आर इनकरेजिंग महाराष्ट्रियन कल्चर, थैंक यू। Be the part of this event, and I would say, like, I would like to say that the girls are really confident. The confidence is tremendous, and the way they have presented themselves, it's beautiful. And well, I just want to just tell them just best of luck to them. Thank you so much. तो different था वो, यहाँ की संस्कृति को लेकर पहली बार
मतलब मैंने महाराष्ट्र की जो वो जो वेशभूषा है उसमें सबको वॉक करते हुए देखा, और जो स्पेशल फीमेल्स का कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप जो हर जगह पर होता है, हर फैशन शो में होता है, वो इसमें नहीं था। तो वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा था। और यहाँ से लोकल लोग हिंदी इंग्लिश सब लोग बोल रहे हैं, इन द सेंस मतलब एक पर्टिकुलर जो एक सोसाइटी के लिए शो होता है ना, ये सोसाइटी के लिए नहीं, ये एक इंडिया के लिए शो है, जहाँ पर सब आम लोग, आज आम लड़कियाँ जो ये ऐसा शो देखकर एक्साइटेड हो सकती है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, और वो भी कहीं ना कहीं ऐसे फैशन शोज में हिस्सा ले सकती है। और अगर ऐसे फैशन शोज होते रहे तो मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी की जितनी भी सभी वर्ग की लड़कियाँ हैं उन्हें बहुत अच्छा चांस मिलेगा। और ऑल द बेस्ट इन सभी लोगों को जो फ्रॉम मुंबई। वेल आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म गिवन टू ऑल द वुमेन आउट हियर, बी इट मैरिड और अनमैरिड, पीपल कैन कम हियर एंड शोकेस दैट टैलेंट एंड प्रूव देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड दैट वुमेन आर नो बिहाइंड देन द मेन हियर। सो येस, आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस पेजेंट। थैंक यू। द क्लब में हुआ है, दैट शो वॉज रियली रियली फैंटास्टिक। आई एम विद माई टू विनर्स, वन इज प्रिया मेहता इन मिसेस कैटेगरी एंड अदर वन इज अनिता पाटिल, शी या अंकिता पाटिल, शी इन ए मिस कैटेगरी, एंड वी आर रियली रियली हैप्पी। हम लोगों ने जो अप्सरा महाराष्ट्र किया था उसका थीम था नौवारी साज, तो कुछ हम लोगों ने डिफरेंट करने का सोचा था। ये सब जो कंटेस्टेंट है उसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की थी, उनको बहुत टास्क दिए गए थे और टास्क उन्होंने कंप्लीट किए थे। हमारा एनजीओ है स्वावलंबन, उसके थ्रू उन्होंने अंडर प्रिविलेज वुमेन्स की हेल्प की, सो वी आर रियली अप्रिशिएट दैट। सब लोगों ने अपना बहुत कुछ अच्छा दिया। फॉर मी तो ऑल कंटेस्टेंट्स आर द विनर, लेकिन हम लोगों को उसमें से एक एक चुनना रहता है। द बेस्ट वन इज प्रिया मेहता एंड अंकिता पाटिल, एंड रियली कॉन्ग्रेट्स अंकिता एंड प्रिया। Congratulations to both of you. Thank you. Yeah. Just say, have say something. Ankita, what do you want to say? Ankita, what do you want to say? Ankita, what do you प्रिया जी को और अंकिता जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। दे आर द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ मीन्स ऑल द कंटेस्टेंट। दे हैव परफॉर्म वेल, दे हैव परफॉर्म देयर ऑल द टास्क वेरी वेल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर। अप्सरा महाराष्ट्र की तरफ से हम लोग उनको कॉन्ग्रेट्स करना चाहते हैं, और वो आगे भी ऐसे तरक्की करते रहे। वी विल सी देम इन यू नो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट टू। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एंड एट द एंड ऑफ द जर्नी ये ग्राउंड सर्वे होना इज द आइसिंग ऑन द केक। जो टास्क, जो सेशंस, जो ग्रूमिंग, एसएस एसोसिएट्स जिन्होंने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें दिया कि हम आए यहाँ पर अप्सरा महाराष्ट्र, हमारा टैलेंट प्रेजेंट करें। एक छोटे से फैमिली से इतने बड़े स्टेज पर आने का जर्नी हम सबको पता है बहुत होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देर इज़ नो वर्ड्स फॉर मी टू एक्सप्रेस हाउ ब्यूटिफुल दिस फीलिंग इज, बट थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। थैंक यू। पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी स्मृति मैम का, शेखर सर का, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने हमें सिलेक्ट किया इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे, सारे टास्क किए, इतनी मेहनत की, और यहाँ तक बहुत सारे चैलेंजेस थे जो हमने पार किए और यहाँ तक पहुँचे। ये ताज पहनना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम निभाएंगे। स्वावलंबन ट्रस्ट के लिए जो काम करना है, जो कैंपेन करना है मैम के साथ, हम वो करेंगे, और स्वावलंबन ट्रस्ट को और अप्सरा को जिस तरह से भी हो सकता है आगे बढ़ाने के लिए हम उनकी हेल्प करेंगे। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि स्वावलंबन को और अप्सरा को, एसएस एसोसिएट्स को हम वर्ल्ड वाइड लेकर जाएंगे, और उन्हें भी पब्लिसिटी मिलनी चाहिए। और जो मैम इतना अच्छा काम कर रही है उनके साथ हम और ये काम को बढ़ाना चाहते हैं, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड रियली वेरी थैंकफुल टू मैम एंड सर कि उन्होंने आज हमें विनर्स चुना और ये क्राउन दिया। थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग, एंड थैंक यू मैम एंड सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। Thank you.
देना चाहूँगी कि उन्होंने बताया कि एज के हमारे दिमाग में होती है तो हम किसी भी एज में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं खुद 25 साल हाउसवाइफ की लाइफ निकालने के बाद भी 45 की एज में ये कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। थैंक्स। बहुत अच्छा लग रहा है ये ताज पहन के। स्मृति मैम ने और शेखर सर ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है मिसेस के लिए, और ये क्राउन देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। हॉस्टल में आने के बाद बहुत अच्छा ट्रेनिंग लिया, उन्होंने बहुत मेहनत की वहाँ पे, मेहनत पे से ग्रूमिंग हुआ, स्मृति मैडम ने अच्छा उनको ट्रेनिंग दी है, उसकी वजह से उनको बहुत ये मिला है। जिस टाइप से शो इसने अरेंज किया इन्होंने और उनके फैमिली मिलकर, टोटली महाराष्ट्र शो, टोटली वी आर स्टेइंग इन महाराष्ट्र, और ऐसा शो हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। शो करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस टाइप से ये लोगों ने इनपुट डाला है और जिस टाइप से, इनफैक्ट आई वेंट ओवर देयर टू द रिसॉर्ट, मैं जाकर देखा हूँ द एफर्ट्स दे केप इन द डे एंड नाइट, ईच एंड एवरी थिंग वी हैव सीन ओवर देयर, दिस इज अ परफेक्ट शो ऑफ मिस्टर एंड मिस पांचाल, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग, देर इज लॉट्स ऑफ वे टू मोर टू गो ओवर देयर, एंड आई विश देम थैंक यू ऑल द बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन्स। अच्छा, महाराष्ट्र 2019 कितना प्रभावित किया और कितना काबिल तारीफ है ये शो, अगर बात करें और जो थीम था इस शो का महाराष्ट्र, क्या कुछ कहना चाहिए? आई एम सो प्राउड टू कम हियर, और ये शो इनका देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई हैव बीन टू मिस इंडिया मिस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट ऑल्सो, बट ये इतना ब्यूटीफुल लगा, स्पेशली द महाराष्ट्र फर्स्ट एंट्री जो लड़की को ही, एंड व्हाट आई लव इज कि दीज गर्ल्स आर नॉट मॉडल्स एंड प्रोफेशनल्स, बट जिस तरह इन्होंने उनको ट्रेन किया है, दे लुक सो प्रोफेशनल, दे लुक सो गुड, कि मैंने इनको प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट ईयर आई वुड लव एंड कम एंड गिव वन लेक्चर टू देम to the upcoming model and their contestants. Thank you so much. It is so beautifully done. Very nicely organized.